बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने का। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि गाइज आप कुछ इस तरह से वैलेंटाइन डे के लिए वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी गाइज आप अपने फ़ोटो से बना सकते हैं। सो गाइज, आपको करना क्या होगा गाइज, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज, चलिए अब काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओके, सो गाइज, मैंने यहाँ पर अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लिया है। एंड गाइज, अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है, मैंने इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, डाउनलोड करने के बाद गाइज आपको इसको ओपन कर लेना है। एंड गाइज, आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। सो गाइज, आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, आपको सिंपली 16:9 की सेलेक्ट कर लेनी है। एंड गाइज, आपको नीचे सेटिंग पर जाना है। एंड गाइज, एडिटिंग पर आ जाना है। यहाँ से गाइज आपको फिल कर देना है। फिल स्क्रीन करने के बाद गाइज आपको इसकी डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ फोटो क्लिप को गाइज आपको 2.5 रख लेना है। 2.5 आपको रख लेना है। एंड गाइज, आपको ओके एक बार क्लिक कर देना है। अब गाइज, आपको अपने फोटो सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइज, आपको यहाँ पर 3 अपने फोटो सेलेक्ट कर लेना है। सो गाइज, मैंने यहाँ पर फोटो सेलेक्ट कर लिए हैं। तो गाइज, अब आपको करना क्या होगा, फोटो पर क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, आपको स्टार्ट पोजीशन को एंड पोजीशन को आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। ओके गाइज, तो गाइज सभी फोटो में आपको स्टार्ट पोजीशन को एंड पोजीशन को आपको सही से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइज, मैं कर लेता हूँ। सो गाइज, मैंने सभी फोटो में स्टार्ट पोजीशन को एंड पोजीशन को सही से एडजस्ट कर लिया है। सो गाइज, अब आपको करना क्या होगा, लेयर में जाना है, मीडियम में जाना है। और गाइज, मीडियम में जाने के बाद गाइज आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो ले लेना है। मैंने उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आसानी से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइज, आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। एंड गाइज, आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की का। सो गाइज, आप क्रोमा की पर जाके गाइज आपको इसको इनेबल कर देना है। और गाइज, जैसे ही आप इनेबल करेंगे, सो गाइज जो ग्रीन पार्ट था गाइज वो अपने आप हट जाएगा। सो गाइज, अगर आप इसमें सॉन्ग ऐड करना चाहते हैं, सो गाइज सॉन्ग ऐड करने के लिए करना क्या होगा, गाइज आपको ऑडियो में जाना है। ऑडियो में जाने के बाद गाइज आप यहां से कोई भी सॉन्ग ऐड कर सकते हैं। सो गाइज, मैं एग्जांपल के तौर पर यहां पर एक सॉन्ग ऐड कर लेता हूं। सो गाइज, मैंने यहां पर सॉन्ग ऐड कर लिया है। सो गाइज, जो हमारा स्टेटस है वो बन के रेडी हो चुका है। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। सो गाइज, ये देख सकते हैं गाइज हमारा स्टेटस कितना अच्छा लग रहा है। सो गाइज, अगर आप इस स्टेटस अपनी एलबी में सेव करना चाहते हैं, सो गाइज आपको सिंपली यहाँ पर ऊपर क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट का। सो गाइज, आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है। ये वीडियो एक्सपोर्ट होने लगेगा, आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं, अपने व्हाट्सएप स्टेटस भी लगा सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए हिंदी वंदे मातरम।